Hey guys, मेरा नाम आयुष और आज मैं क्विक रिव्यू करने वाला हूँ इस 2018 रेडी गो के बारे में गाइज। तो जो जो भी मेजर चेंजेस मेजर हाइलाइट्स हुए हैं इस गाड़ी के बारे में सब भी जो है अपन जान लेते हैं समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो एक क्रोम ट्रीटमेंट में जो है नया हेडलाइट आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको जो है हैलोजन लैंप्स देखने को मिलते हैं, बाकी दिखने में जो है ये काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव है। इसी के नीचे जो है यहाँ पे आपको फॉग लैंप असेंबली देखने को मिल जाती है जो कि टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। ये ए वेरिएंट है। टी के अंदर जो है आपको एलईडी ट्रीटमेंट में जो है फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं। साथ ही जो रिवाइज बम्पर है वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेम प्लेट यहाँ पे जो हिट हो जाएगी और जो ये डैटसन की जो सिग्नेचर ग्रिल है यहाँ पे इसको जो है सिग्नेचर ग्रिल में ही दिया गया है। क्रोम का इंसर्ट्स आपको बाहर साइड में सब तरफ देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोफाइल जो है साइड में भी आपको देखने को मिलेगी और इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है देखने को मिल जाती है। तो गाइस अब देख लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे जो साइड प्रोफाइल पे जो है आपको 14 इंच के जो है स्टील व्हील्स इस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। जो टॉप एंड वेरिएंट है टी वेरिएंट उसमें आपको जो है अलॉय व्हील्स का भी जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो 14 इंच के जो है व्हील्स आपको फ्रंट और रियर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। साइड की जो है क्लैडिंग नहीं है यहाँ पे गाड़ी पे, नॉर्मल सी जो है आपको सेम चीज़ें जो है कम्प्लीटली एक ही बॉडी कलर में देखने को मिलेगी। साइड मिरर्स जो है आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाएंगे। जो आपको हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो बी पिलर है पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो पीछे की प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली जो है काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा लगता है जो नॉर्मल व्हील कैप्स देती है दूसरी कंपनियाँ उनसे इनका जो व्हील कैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो प्लास्टिक की स्टील व्हील्स के ऊपर, पर व्हील कैप का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और अट्रैक्टिव आता है। रियर प्रोफाइल देख लेते हैं इस गाड़ी की। तो जो रियर प्रोफाइल है यहाँ पे बम्पर पूरा जो है अट्रैक्टिव है। साथ ही यहाँ पे जो है इसके अंदर पूरा चेंज करके जो है ब्लैकआउट ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया है। साथ ही यहाँ पे आपको जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में भी जो है आपको कैमरा ऑफर नहीं किया गया है। तो गाइस अब देख लेते हैं इसका बूट क्या है। यहाँ पे आपको गो की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि 3D में और सिल्वर में काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है। तो यहाँ पे आपको चाहिएगी की तो ही आप जो है बूट को एक्सेस कर पाएंगे और या फिर जो बाहर लीवर दिया हुआ है वो। तो यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो है एक आपको स्टील व्हील देखने को मिलेगा जो कि 14 इंच का है। यहाँ पे डैटसन ने कोई क्रॉस कटिंग जो है नहीं करी है। तो ये है बूट साइज। ये थोड़ा सा डीप है तो सामान रखने में जो है आपको देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा हाथ इतना आ रहा है। सो गाइस ये था गाड़ी का बूट स्पेस। चलते हैं नेक्स्ट आगे इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए डायरेक्ट जो है अपने हाथ से करना पड़ेगा। की ले ली। बात कर लेते हैं लाइट्स की। तो ये लाइट्स जो है इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी सूट होती है, देखने में काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव प्रीमियम अपील देती है इस गाड़ी को। ये हैचबैक का जो है कंप्लीट डिज़ाइन जो है पूरा कर देती है रियर लाइट्स। बात कर लेते हैं फ्रंट लाइट की। तो फ्रंट लाइट का जो विजिबिलिटी है नाइट टाइम में वो काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव है यहाँ पे। मतलब अगर आप रात में भी गाड़ी चलाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन नॉर्मल हैलोजन लैम्प की वजह से। साथ ही जो है हैजार्ड लाइट्स की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव दिखती है। साइड प्रोफाइल पे भी जो है आपको यहाँ पे साइड जो है लाइट्स दी गई है दोनों ही तरफ। पर यहाँ पे मेरे को एक कमी ये लगी कि अगर रियर व्यू मिरर पे इनकी पोजीशनिंग होती तो ये काफ़ी ज़्यादा और प्रीमियम जो है अपील देती इस गाड़ी को। रियर प्रोफाइल पे आ जाते हैं। रियर सीट स्पेस देख लेते हैं। रियर स्पेस जो है सीट का लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है। मैंने जो है अपने ड्राइवर पोजीशन के हिसाब से जो है सीट को एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा सामान है जो कि पीछे पार्शियल ट्रे पे नहीं दी हुई है तो मेरे को सिर्फ यहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है सीट बेल्ट के होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड में जो ये फाइबर यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा क्वालिटी इसकी चीप लगती है, डैटसन इसको सुधार सकता था। जो हैंडल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे शैम्पेन कलर में जो है हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे वापस से वही कार्बन फाइबर की फिनिश देने की कोशिश की गई है। आ जाते हैं अंदर बैठ के देख लेते हैं गाड़ी कैसी दिखती है। तो गाइज ये साउंड जो आपने सुना है ये पहले से जो थोड़ा सा अच्छा इंक्रीज हो गया, मतलब जो गेट का साउंड है वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा आता है। ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफ़ी लो फील होती है, पर इस प्राइस रेंज में जिस प्राइस में ये गाड़ी ऑफर हो रही है उस प्राइस रेंज में ये बेस्ट है। मतलब अगर अपन कंपेयर करेंगे किसी और कार से तो आपको फील होगा, पर ऑफकोर्स अगर प्राइस की बात की जाए तो वो थोड़ी सी जो है आप एडजस्ट करना आपको पड़ सकती है।
तो गाइज बाकी सभी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पे कोई बॉटल होल्डर्स जो है कंपनी ने नहीं दिए हैं, दोनों साइड जो है बॉटल होल्डर नहीं है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ आपको एक यहाँ पे कप होल्डर मिलता है जहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, बॉटल वगैरह जो है रख सकते हैं। की मैं आपको यहाँ पे गाड़ी की दिखा देता हूँ। ये जो है नॉर्मल सी की है यहाँ पे, जिससे डोर अनलॉक लॉक आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि यहाँ पे जो है आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि आप आराम से ऐसे बैर करके बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पे फिक्स है, तो इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस हाइट से ऊपर ही अपनी हाइट रहती है, तो आपको जो है या तो काफ़ी पीछे होकर बैठना पड़ता है या जो है आप हेडरेस्ट का जो है यूज़ कर ही नहीं सकते। हेड रूम काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे इतना स्पेस मिल जाता है कि 6 या 6-2 का भी अगर बंदा है तो वो आराम से बैठ जाता है। यहाँ पे जो है आपको पकड़ने के लिए होल्डर्स दिए हुए हैं दोनों की साइड में, आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही बात कर लेते हैं फ्रंट की, कि फ्रंट कैसा है। तो आपने रियर पूरा देख लिया है, दो जने यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा जो है यहाँ पे फंस जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं गाड़ी को कि आगे से गाड़ी जो है दिखने में कैसी लगती है। जो डोर्स की ओपनिंग है वो काफ़ी ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा कम है, तो आप आराम से इस गाड़ी के ऊपर अंदर से जो है उतर सकते हैं और बाहर भी जो है जा सकते हैं। फ्रंट में आ जाते हैं, यहाँ पे फ्रंट का देख लेते हैं अपन। यहाँ पे आपको सारे पावर विंडोज़ देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे पावर विंडोज़ की जो है आपको लॉक अनलॉक सभी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। बॉटल होल्डर्स मिल जाएगा, कभी होल्डर्स, यहाँ पे स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो ये ट्रीटमेंट है प्लास्टिक का, ये सेम यूज़ किया है, पर ये इस प्राइस रेंज में जो है बेस्ट ऑफ क्लास है। यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी जो कि आप आपकी जो है सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो फ्यूल टैंक का लीड के लिए दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे जो है रियर जो ट्रंक है वो आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है कोई डेड पेडल आपको देखने को नहीं मिलता है, तीनों पेडल जो है आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे आपको की के लिए स्पेस मिल जाती है। यहाँ से जो है आप आपके जो है साइड व्यू मिरर जो है उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं अंदर की साइड, तो यहाँ पर मैं गाड़ी पर बैठ गया हूँ, डोर कर लेते हैं बंद। तो ये साउंड जो है डोर का काफ़ी अच्छा है। जो की मैंने आपको बताई है, इस की को जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसी टाइट है क्या पता नहीं है इसलिए। ये आ गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ, वन टच जो है फ्रंट ग्लास जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो आपको एक बार प्रेस करके ही पूरा ऊपर जो है गाड़ी को ग्लास जो है फ्रंट भी बंद करना पड़ेगा। सारे आपको जो है यहाँ पे वॉशर के जो है कमांड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है लाइट्स देख के जो स्विचेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे आपको मिल जाता है टेकोमीटर, स्पीडोमीटर और जो फ्यूल गेज यहाँ पे नहीं मिलता है आपको, नॉर्मली जो है आपको यहाँ पे MID देखने को मिलेगा। इस MID के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी कि आपका ट्रिप मीटर कितना है, आपका किलोमीटर जो है कितना जो दे रहा है, एवरेज कितना दे रहा है, सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको सिंबल्स देखने को मिल जाएगा आपकी गाड़ी से रिलेटेड, जिससे कि आप आपकी गाड़ी का पूरा जो है नॉलेज रख पाएंगे कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है गो में। तो गाइस डैटसन की गो जो है वो काफ़ी सिंपल स्लोबर और स्लीक डिज़ाइन के साथ में बनाई गई है। तो गाइस सबसे अच्छा लगा मुझे इस गाड़ी का डैशबोर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा और स्लीक सिंपल सोबर डिज़ाइन के साथ में आता है। यहाँ पे कई जगह जो है ये इस टाइप का मटेरियल का यूज़ किया गया है जो कि कार्बन फाइबर की जो है याद दिलाता है। यहाँ पे दिया गया है गेयर बॉक्स जिसके ऊपर सिल्वर कलर की जो है थोड़ी सी फिनिश दी गई है, उसको पकड़ना काफ़ी अच्छा है। पर अगर आप नॉर्मल ड्राइवर हैं तो और आप दूसरी गाड़ी चलाते हैं तो आपको आदत रहेगी यहाँ गेयर बॉक्स को यूज़ करने की इस जगह, और यहाँ पे इसके अंदर गेयर बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ऑड लगता है। स्टार्टिंग में चलाने में भी दिक्कत आती है और गेयर में भी आपको फील होगा कि ये किस टाइप से जिसको लगाना है, न्यूट्रल है या नहीं है। थोड़ा सा टाइम जो है आप गाड़ी के साथ यूज्ड हो जाएंगे, थोड़ा टाइम अगर आप गाड़ी को चलाएंगे तो। यहाँ सारे जो है AC के मैनुअल कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक AC जो है ऑफर नहीं किया जाता है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको जो है प्लेस किए गए हैं इस स्क्रीन के ऊपर एयर वेंट्स, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। डैशबोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे गाड़ी के अंदर दी गई है, जिस पर आपको कुछ भी आपको रखना है, कुछ लगाना है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है नॉर्मल मिरर आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। आपको यहाँ पे जो है लाइट्स देखने को मिल जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ नाइट लैम्प। बात करूँ अगर यहाँ पे सनसेट की, तो यहाँ पे कोई ग्लास वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है दोनों साइड में, ना पैसेंजर के लिए ना ड्राइवर साइड के लिए। साथ ही अगर वॉशर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छा 3-way एडजस्टेबल जो है वॉशर इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, और सिंगल ब्लेड का यूज़ किया गया है जो कि प्रॉपरली वर्क कर जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइज स्पेस की बात करूँ तो जो फ्रंट सीट का स्पेस है और थाई सपोर्ट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। जो रियर सीट है वो थोड़ी सी जो है बेंच टाइप है, वहाँ पे आपको थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है,
तो रियर सीट के लिए जो सीटिंग है वो एवरेज जिसको अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको आराम से सीट ग्रेप करके जो है रखती है। तो फ्रंट सीट जो है गाड़ी की काफ़ी अच्छी और चलाने में भी मज़ा आता है, कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हैं, यहाँ से जो है व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, और ये पिलर भी जो है बीच में नहीं आता है जो कि काफ़ी आगे तक जो है जा रहा है। और यहाँ पे आपको जो है 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे जो है हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस जो है गाड़ी के अंदर आपको दिया हुआ है जिस पर आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, और ये काफ़ी डीप है, आपको शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, काफ़ी डीप है ये चीज़। इसको कर देते हैं बंद। साइड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है सामान रखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फिर से कार्बन फाइबर का जो है यूज़ किया है, कार्बन फाइबर का नहीं कार्बन फाइबर जैसे दिखने वाले प्लास्टिक का, तो गाइस ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी के अंदर। सेगमेंट में अगर बात करें कि अपन इस सेगमेंट में अगर दूसरी गाड़ियों की, तो उसके कंपेयर में मेरे को ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है इस सेगमेंट में। इस प्राइस में अगर आप कोई और गाड़ी ले रहे हैं तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि इस गाड़ी को जो है एक बार आपको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही जो है डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि डेटसन कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो डेटसन से जो है इस टाइप का क्वालिटी प्रोडक्ट जो है एक्सपेक्ट करना काफ़ी अच्छी चीज़ है, और वो चीज़ डेटसन ने करके दी है जिस टाइप का क्वालिटी प्रोडक्ट जो है डेटसन ने इसके अंदर यूज़ करा है और इस गाड़ी को जो है बनाना है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी गो प्लस की रहेगी, आप जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि ऐसे रिव्यूज़ जो है आपको इस गाड़ी के सभी मिलते रहे। तो गाइस ये जो है डोर लॉक अनलॉक आपको सिर्फ नॉर्मल वे में करना पड़ेगा, ये इसको ओपन करना काफ़ी अच्छा लगता है। मिरर्स को जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और सेम वैसा ही जो है आप उस मिरर के साथ में भी यहाँ से कर सकते हैं। तो सारे स्विचेस की क्वालिटी वगैरह जो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं गोल जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो गाइज ये था कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू, अब चला के देख लेते हैं इस गाड़ी को कि ये गाड़ी जो है चलती कैसी है और मुझे चलाने में कैसी लगी। तो गाइज गाड़ी को अब यहाँ पे अपन चला के देख लेते हैं कि गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज डिलीवरी क्या है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है, सीटिंग कैसी है, गाड़ी का केबिन इंसुलेशन है वो कैसा है, एयर कंडीशन कैसा है, मतलब पूरा केबिन का एक पूरा फीडबैक जो है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ आगे। तो गाइज स्टार्ट कर लेता हूँ, उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम पर मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड क्यों नहीं करी, मैंने बाद में ये रिकॉर्ड करी है वॉइस, रीज़न ये रहा है कि उस टाइम पर गाड़ी मेरे पास में काफी कम टाइम के लिए थी, 1-2 घंटे के लिए गाड़ी थी मेरे पास में, तो उस टाइम पे मैं चाहता था कि पूरा कॉन्सेंट्रेट में मेरा गाड़ी के ऊपर करूं ताकि एक एक चीज का जो है फीडबैक मैं आपको देख सकूं, सभी चीजें आपको बता सकूं कि इसके अंदर साउंड सिस्टम है वो कैसा है, एसी जो है वो कैसा है, गियर बॉक्स जो है वो स्मूथ है या नहीं है, इसकी जो सीटिंग है वो कैसी है, सभी चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले इंजन के बारे में, तो यहां पे डेटसन ने जो है गो और गो प्लस दोनों ही गाड़ियों में जो मैं चला रहा हूं ये गो वेरिएंट है, गो मॉडल है, ये उसका ए वेरिएंट है, यहां पे 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो है ऑफर करती है डेटसन आपको, जो प्रोड्यूस करता है 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4000 आरपीएम पे और 67 बीएचपी की पावर 5000 आरपीएम पे। गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, इस गाड़ी में आपको ना तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन है और ना ही अभी अवेलेबल होने के कोई चांसेस लगते हैं, साथ ही यहां पे जो है जो दूसरा गो प्लस है उसमें भी ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है, डेटसन के पास में अभी रेडी गो जो गाड़ी है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है देखने को मिल जाते हैं। यहां पे मैं अभी जो चला रहा हूं उस गियरबॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो है इस गियरबॉक्स का फर्स्ट और सेकंड गियर जो है मेरे को थोड़ा सा हार्ड फील हुआ, बाकी के गियरबॉक्स जो है या दूसरे गियर है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से जो है स्मूथ शिफ्ट हो रहे थे। हो सकता है इस वेरिएंट में कोई इशू हो पर गाड़ी पूरी नहीं है, तो मेरा पर्सनली जो ये है मेरा जो फीडबैक है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सबका अपना अपना अलग रिस्पॉन्स हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड गेट थोड़ा सा हार्ड फील होता है। यहाँ पर अगर बात करूँ पावर डिलीवरी की तो गाड़ी के अंदर जो है लो एंड जो है गाड़ी का भी वो काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप चलाएंगे तो स्मूथ लीनियर पावर जो है डिलीवर्ड होता है, सीटी के हिसाब से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मैनुअल ड्राइव है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट हो सकती है कहीं अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, पर आप इसको भी आराम से चला पाएंगे, गेयर रेशो उस हिसाब से है कि आपको बार बार जो है गेयर चेंज नहीं करने पड़ेंगे, तो लाइक 1500 आरपीएम से इस गाड़ी को आप 3000 आरपीएम के बीच में अगर चलाते हैं
हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है परफॉर्मेंस मिलती है। आप इसको हाई रेव करते हैं तो 5000 आरपीएम तक जो है इस गाड़ी को आप लेके जा सकते हैं, रेड लाइन दी हुई है। तो गाइस वहाँ पे भी जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 80 की स्पीड पे जो है आप गाड़ी को जो है यहाँ पे लेके जाएंगे तो बीप आपको जो है वार्निंग अलर्ट देगा कि आप गाड़ी की हाई स्पीड पे जो है चला रहे हैं। साथ ही फिर 120 के बाद में जो है वो बीप कंटिन्यू अपने को सुनाई में देती है। साथ ही गाड़ी के अंदर जो है आपको फ्रंट में ड्यूल एयरबैग दे दिए जाते हैं, ABS विद EBD दे दिया जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा दे दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड दी गई है अक्रॉस ऑल द वेरियंट। आप चाहें कोई सा भी वेरियंट इस गाड़ी का परचेज करें, D, A या T, उन सभी में आपको हेजन सिक्योरिटी फीचर जो है ऑफर किए गए हैं। इस प्राइस में जो ये क्वालिटी दी हुई केबिन की या गाड़ी की राइडिंग या इंजन, इन सभी की अगर मैं बात करूँ या सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूँ तो सभी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इस जो प्राइस को जस्टिफाई करती है। ये मतलब एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो है ऑफर आपको मिल रहा है डैटसन की तरफ से, इसको ऑफर ही समझिए। क्योंकि इस प्राइस में ये सारे फीचर ऑफर कर दे ऐसी गाड़ी अभी तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। साथ ही अगर बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको इस सेगमेंट में इस प्राइस में मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। इसका म्यूजिक सिस्टम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीटिंग कंफर्ट की तो गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट फ्रंट की काफ़ी अच्छी है। आपने जो है इंटीरियर वाले जो है पीछे थोड़ा सा देख लिया होगा कि रियर वाली सीट मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, वो बेंची टाइप फील होती है, पर वहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है तो आप पैर आगे की तरफ करके जो है बैठ सकते हैं तो आपको थाई सपोर्ट मिल जाएगा। पर फ्रंट वाली सीट जो है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस जो सेगमेंट में, मैंने दूसरी गाड़ियाँ सभी ऑलमोस्ट चलाई हुई है तो उन सभी से मुझे जो है इसकी सीट काफ़ी अच्छी लगी जो कि आपको ग्रैब करके जो है रखती है। तो गाइस ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस गाड़ी को चलाने का, बैठने का, फील करने का। एसी इस गाड़ी का काफी पावरफुल है, मतलब एसी में कोई कंप्लेन नहीं है, नो डाउट सेगमेंट का बेस्ट एसी है। कूलिंग जो है काफी अच्छी हो जाती है, पर हाँ अब ह्यूंडई की सेंट्रो आ गई है तो एक बार मैं प्रॉपर उसका भी रिव्यू आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सेंट्रो लें या जो ये वाली गाड़ी लें, तो एक बार आप उसका रिव्यू भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि रोज जो भी मैं रिव्यू डालूं या वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रिव्यू जो है आप मिस नहीं करें। सो गाइस चलते हैं आगे और अपन बात कर लेते हैं माइलेज की। तो यहाँ पे अगर अपन माइलेज की बात करें तो आपको कंपनी क्लेम करती है 19.83 KMPL का माइलेज इस 1.2 लीटर से। तो गाइज यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस करा है 1 से 2 घंटे इस गाड़ी को ड्राइव करके चला के, या इस गाड़ी से माइलेज कितना आउटपुट जो है हो रहा था उसको टेस्ट करा है, तो लगभग मेरा ऐसा मानना है कि डिस्प्ले तो जो है हाथों हाथ अलग अलग वेरिएशन बताता रहता है। ये गाड़ी सिटी में आपको 15 से 16 का आसपास का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी, और हाईवे पे अगर आप एक स्टेबल स्पीड पे अगर इसको क्रूज करते हैं तो आराम से इस गाड़ी से आप 18 से 20 KMPL का माइलेज जो है निकाल पाएंगे। इससे ज्यादा के माइलेज जो है इस गाड़ी से निकालने वाले भी लोग मेरे पास में जिन्होंने क्लेम कराया है, 20 से अबव का माइलेज जो कि कंपनी ने भी क्लेम नहीं कराया और उन लोगों ने ये माइलेज इस गाड़ी से निकाला है। तो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे, ड्राइविंग कंडीशन पे और ड्राइविंग एटमॉस्फेयर पे कि आप किस कंडीशन में गाड़ी को जो है चला रहे हैं और कितने लोड के साथ में चला रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं आराम से इस गाड़ी को नॉर्मल यूसेज पे ऑन एन एवरेज सिटी और हाईवे पे 18 KMPL का माइलेज आराम से इस गाड़ी से निकाल सकता हूँ। देख लेते हैं इस गाड़ी का इंजन भी। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है आपको इंजन ओपन होगा, तो इसको स्टार्ट करके भी देख लेते हैं, इसका साउंड सुन लेते हैं एक बार। बाकी इंजन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, ये लोग हर कोई नॉर्मल इंसान ही देखते हैं। तो भाई ये है इस इंजन का साउंड, देख सकते हैं सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे एक साइड की बैटरी यूज़ की गई है, इसको कर देते हैं बंद। ये है 2018 डैटसन गो। आई होप ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी, मैंने मेरा वैल्यूएबल फीडबैक आपको दे दिया है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
साथ ही स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर तरुण, जिनकी वजह से यहाँ पे जो ये रिव्यू पॉसिबल हो पाया और कंप्लीट डिटेल में आपको इस गाड़ी की दे पाया। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, अगर आप लोगों में से कोई भी एमपी में रह रहा है और एमपी में आपको ये गाड़ी लेनी है या आपका बजट है 3.5 से 5 लाख रुपए के बीच में, तो ऑफकोर्स दिए गए जो नंबर हैं स्क्रीन पे आपको शो हो जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट डील जो है ले सकते हैं। आप चाहें तो मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं या तरुण सर से डायरेक्टली बात करने का बोल दीजिए, तो आपको एक बेस्ट डील जो है गाड़ी की मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमॉरो नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ। Thank you.